गंगा समग्र नाम से संघ का एक गतिविधि है, उसमें उसके सिलसिले में कुछ यहाँ डीएम को ज्ञापन देना था। एक तो गंगा राष्ट्रीय नदी घोषित हो ही गई, कल डिक्लेयर हो जाएगा। दूसरे, गंगा और इसकी जितनी सहायक नदियाँ हैं उनमें अविरल जल का प्रवाह हो सके, जो भी कुछ उसके लिए संगठन कर सकता है उसके लिए लगा है। नमामि गंगे जैसे कार्यक्रम चला हुआ है ये भी, तो इसमें डीएम साहब से आग्रह करना था कि भोपा नहर पर दो घाट बना दिए जाए, ताकि वहाँ गंगा जल वो मानते हुए एक काली नदी में दूसरा यहाँ एक घाट बनाया जाए। क्योंकि जैसे सांस्कृतिक रूप से भारत में जल की बड़ी महत्व है, और संगठन हमेशा से इस देश के सांस्कृतिक स्वरूप को बचाए रखने के लिए और उनको निरंतरता उसमें बनाए रखने के लिए अपनी गतिविधियां चलाता है। गंगा समग्र उन सब का कम्युलेटिव इफेक्ट है। थैंक यू।